अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अली टी कान ओवर हियर। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अली एक्सप्रेस से चाइनीज़ मेड SSDs अपने कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए बाय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अली एक्सप्रेस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, आपके कंप्यूटर के सामान भी बहुत सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर जो काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, उस पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, SSD ड्राइव होती हैं या M.2 ड्राइव्स होती हैं, उनके बारे में। और मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि आप इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो अली, वैसे तो हमें पता है कि पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, किंगस्टन हो गया और डिफरेंट काइंड ऑफ W वेस्टर्न ड्राइव हो गया और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स, जिनको मुझे भी इतना नाम नहीं पता, सैमसंग हो गया जो मेरे पास भी लगी हुई है। तो हम लोग इसकी ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं। मगर अगर आप बजट में हैं और आप अपने कोई सेकेंड हैंड सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं जो इतना आप आगे जाके इसको अपग्रेड कर लेंगे, या आप कोई अपना अभी के लिए कोई बजट PC बनाना चाह रहे हैं और अगर आपको SSD ड्राइव चाहिए और सैमसंग की जो ड्राइव्स हैं वो आपके बजट में नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो ड्राइव की कॉस्ट है वो तकरीबन 8,000 से ऊपर से शुरू होती है फॉर 128 GB, और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा GB वाली लगवाएं पहले मगर आपका बजट भी कम है, तो हम लोग जाते हैं चाइनीज़ ब्रांड की तरफ। मेरे पास जो दो ब्रांड्स हैं जिनको मैंने खुद टेस्ट किया है, उनमें से एक जो ब्रांड है वो मेरे पास भी लगा हुआ है और उसका मैं अभी आपको बताता हूँ, और बाकी मेरे भाइयों के कंप्यूटर पर भी लगा हुआ है क्योंकि हम लोग अपना बेसिक यूज़ के लिए हमने उसको लगाया हुआ है और वो सस्ती भी आती है। तो जैसे कि जो सबसे पॉपुलर सेल होने वाला जो ब्रांड है वो है किंगस्पेक। इसके आपने बड़े यूट्यूबर्स से रिव्यू भी देखे होंगे जैसे कि लाइनस वगैरह, मगर वो लोग ऑफकोर्स गोरे यूट्यूबर्स इस वाले ब्रांड को सपोर्ट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत स्पीड का फ़र्क होता है, जो आपकी राइट और रीड स्पीड होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है फाइल ट्रांसफ़र करने में, कॉपी पेस्ट करने में, फ़ाइल को डालने में, डिलीट करने में और तो और रन करने में। जो ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये किंगस्पेक की M.2 ड्राइव है। M.2 इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ SSD ड्राइव। SSD ड्राइव आपको पता है कैसी है, वो मेरे पास अभी है नहीं, वो मैंने लगाई हुई है। तो ये यहाँ पर पिक्चर आ रही है, आप देख सकते हैं ये SSD ड्राइव है और ये M.2 ड्राइव है। तो मेरे पास जो है वो किंगस्पेक की M.2 ड्राइव है 128 GB की, और ये मुझे 128 GB पड़ी थी तकरीबन अराउंड 3,500 रुपये की, और इसके साथ आपको 3 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है। मगर वारंटी वो कितना क्लेम होगी वो अली एक्सप्रेस के थ्रू क्लेम होगी सेलर को, अगर अपने कोई फॉल्ट हो तो आप सेलर को बताएंगे तो वो आपको पूरा रिफंड दे देगा। तो अगर हम इसकी दूसरे ब्रांड की बात करें, जो दूसरा ब्रांड है वो है किंग डिंग। ये SSD मैंने मंगाई थी अपने भाई के लिए और ये 120 GB की है। ये किंग डिंग ब्रांड है, ये फर्स्ट टाइम हमने नाम सुना, हालांकि किंगस्पेक का तो नाम सुना हुआ था मगर किंग डिंग का नाम कभी सुना हुआ नहीं था। और जो ये ब्रांड है इसका भी परफॉर्मेंस ओके है इस कंपेयर टू किंगस्पेक, क्योंकि किंगस्पेक के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं जिसमें आपको रैम मिल जाती है, और मोस्टली जो लोग परचेज करते हैं वो उसकी M.2 या साटा SSD ड्राइव वगैरह परचेज करते हैं, जो कि सस्ती पड़ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3,500 रुपये की मुझे 128 GB मिली थी, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, बाय द वे मुझे ये सेल पे मिली थी 3,500 रुपये की, एक्चुअल प्राइस इसकी थी 4,500 रुपये, तो 3,500 की मुझे सेल पे मिली थी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, इसकी विदाउट सेल प्राइस 3,000 रुपये है, और मगर जो ये ब्रांड है आई डोंट ट्रस्ट दिस ब्रांड, क्योंकि इसका नाम सुन के भी पहली दफ़ा मुझे अजीब सा लगा था, मगर हम लोग ऐसी टेस्ट के लिए मंगवा रहे थे SSD, तो हम 3,000 में कोई बुरी चीज़ नहीं आ रही, तो हम लोग ने इसकी SSD मंगा ली थी ये वाली, तो ये मेरे भाई की उसमें लगी हुई है। तो अगर हम ओवरऑल उसकी बात करें कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप परचेस करो, आप बाय करो अगर आप बजट में हो और अगर आप अपने SSD एज अ सेकेंड ड्राइव के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि आई वोंट रिलाय कि आप कोई चाइनीज़ इतना की हार्ड ड्राइव को अपनी मेन विंडो ड्राइव बनाओ, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता। भरोसा तो होता है, ऑफकोर्स दे आर गिविंग यू 3 ईयर्स वारंटी, तो भरोसा तो डेफिनेटली होता है, बट
ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज के लिए मैं हमेशा ये आप सबको रेकमेंड करूँगा कि खर्चा करके सैमसंग की या कोई अच्छे ब्रांड की जो वेल नोन ब्रांड है उसकी हार्ड ड्राइव या SSD ड्राइव ले लो फॉर योर मेन विंडो। और अगर आपको अपने प्रोग्राम्स वगैरह के लिए भी कोई ड्राइव चाहिए या कोई अपना सेकेंडरी ड्राइव चाहिए तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दीज ब्रांड इफ़ यू आर ऑन बजट। एंड अगर आप अपना कस्टम बजट PC बना रहे हो कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल 3 साल यूज़ कर, 1-2-3 साल यूज़ करने के लिए और आगे जाके आप अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली दीज आर द चॉइस। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इनको अली एक्सप्रेस पे बाय करें और अली एक्सप्रेस पे इनके हवाले से काफ़ी अच्छी डील्स आती हैं। आई मीन हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसे डील आई हुई होती है कूपन के साथ, तो आप अपनी लक आजमा सकते हो और आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। हाँ तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमेशा की तरह ये वीडियो लाइक करें, अपना कमेंट नीचे आप दे सकते हैं, कोई भी सवाल हो इस वीडियो के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू एज ऑलवेज। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे @AliDKhan और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर दें मुझे इजाज़त, मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।